हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यामिनी गुप्ता रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीरा बिस्किट की रेसिपी। आप इसे बनाकर काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे चाय के साथ खाएं या आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए एक बोल में 80 ग्राम घी लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का और उसमें 40 ग्राम पाउडर्ड शुगर डालेंगे। मैंने इसे घर में ही पीसा है। अब इसे हमें बीट करना है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं उससे बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि इसमें मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेजरमेंट के हिसाब से ही इसे बनाएं। हम इसे 2 मिनट तक बीट करेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। और अगर आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहीं पर मैंने लिखी हुई रेसिपी की लिंक भी डाली है। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हमें डालना है मैदा। तो मैं इसे 160 ग्राम मैदा डाल रही हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा, 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा मिक्स करते जाएंगे। ये इकट्ठा सा होने लग गया है, तो अब इसे हम प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हल्के हाथ से हमें रोल करना है। अब इसे जितना मसलेंगे ये सॉफ्ट होने लग जाएगा और आसानी से रोल होना शुरू होगा। देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर रहेगा। तो बस इसे हमें अब रोल करना है। हम इसे रोल भी करते जाएंगे और साइड में इसे फ्लैट भी करते जाएंगे। देखिए, ये अच्छे से रोल हो गया। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में। ठंडा हो चुका है, अब इसे हम कट करेंगे। तो बस इसे इक्वल साइज में हम इसे कट करेंगे। ठंडा होने की वजह से ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो देखिए, कितना आसानी से कट करना। देखिए, जीरा बिस्किट कुछ इस तरह से लगेंगे। अब इसे हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। इसके बीच हम थोड़ी सी गैप रखेंगे क्योंकि बेक करते टाइम ये थोड़ी सी फूल जाती है, तो ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। अब बेकिंग ट्रे पे हमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बिस्किट को रखेंगे और ऊपर से जीरा स्प्रिंकल करेंगे। इसे हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये निकल ना जाए। और फिर हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए। देखिए, बिस्किट बन गए हैं, कैसे अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर ये ठंडे नहीं होंगे अच्छे से तो आप जब इसे निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से ठंडे होने दें और फिर इसे निकालें। ये देखिए, ठंडा हो चुका है, तो ये किस तरह से निकल गया है और ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। देखिए, कितने अच्छे से क्रिस्पी बना है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।